Hello everyone, I am Gunjan Kalra, Department of Mathematics, Government College, Hodal. Today I will teach you about past BSc first year algebra book. Paper 1 algebra, in which the chapter number 9, that was solution of cubic and biquadratic equation. हमें solution पढ़ना है cubic equation का और biquadratic equation का. तो आज हम इस video के अंदर अपना solution पढ़ेंगे. Only आज हम discuss करेंगे सिर्फ cubic equation के solution को. In next video I will discuss the solution of biquadratic equation. Okay, the most general. So today I will discuss about only the cubic equation. The most general cubic equation is कहती है a naught x cube plus 3a1 x square plus 3a2 x plus at is equal to 2. This is the in last video I will tell about the complete equation and incomplete equation. This is a complete equation. X की power 3, x की power 2, x की power 1, then x की power 0. That means constant term is equal to 0. This is a complete equation. Now for the solution of cubic equation, we are introduced the solution by the CARDON'S method. So today I will discuss about the cubic equation solution by the CARDON'S method. So आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि CARDON method use होता है किसके लिए, cubic equation के लिए, और cubic equation को हम by the help of CARDON method कैसे solve करते हैं. तो हमारी मोस्ट जनरल क्यूबिक इक्वेशन क्या है, a नॉट x क्यूब प्लस 3a1 x स्क्वायर प्लस 3a2 x प्लस a3 इक्वल टू 0. नाउ हमने ट्रांसमिशन पढ़ा था, ट्रांसलेट द इक्वेशन इनटू क्यूबिक इक्वेशन एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम रिमूव करेंगे देन द क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एलिमिनेट the second term and multiply the root by a node we get. जब हम सेकेंड टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा CARDON'S मेथड अप्लाई होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सेकेंड टर्म की वैल्यू मिसिंग होती है. तो उसको मिसिंग करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए आपको बताया गया था कि आप एच इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी वैल्यू होती है -3a1 × n × a0. एच की वैल्यू इंट्रोड्यूस करने के बाद हम उसके अंदर से क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को रिमूव कर देते हैं. सेकेंड टर्म रिमूव करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती है जेड क्यूब प्लस 3xz प्लस g इज इक्वल टू. ये ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर आपके पास सेकेंड टर्म नहीं है, थर्ड पावर 3 देन पावर 1 देन कॉन्स्टेंट, वेयर z की वैल्यू होती है आपके पास a नॉट x प्लस a1, h की वैल्यू होती है, ये आपने सभी वैल्यूज 7 चैप्टर के अंदर पढ़ ली है, h की वैल्यू होती है आपके पास a नॉट a2 माइनस a1 का स्क्वायर, एंड g की वैल्यू आपके पास होती है a नॉट का स्क्वायर a3 माइनस 3 a नॉट a1 a2 प्लस 2a1 का. These are the value of z, h and g in this equation. This is equation number 7. Now we apply the CARDON'S method. Let's put z is equal to u plus v. Now cubic on both sides.
cubic on both sides. आपके पास क्यूब कर देंगे, z क्यूब इज इक्वल टू u प्लस v का होल क्यूब. ये किसके इक्वल होता है? u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv ब्रैकेट में u प्लस, इसके इक्वल होता है. नाउ u प्लस v की वैल्यू हमने लेट की थी z, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv इंटू z. आपके पास z क्यूब के अंदर इक्वेशन आ जाती है, और वो इक्वेशन क्या आती है? z क्यूब माइनस के 3uv इंटू z माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू. आपके पास इक्वेशन फॉर्मुलेट होके आ जाती है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर सेकंड. सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी? z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल टू जीरो. एंड इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या आई है? z क्यूब माइनस के 3uvz माइनस के u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू जीरो. नाउ ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. कंपेयर करेंगे किसको? कंपेयर इक्वेशन, कंपेयर करेंगे इक्वेशन के कॉफिशेंट्स को. z क्यूब से z क्यूब दैट इज कैंसिल आउट. नाउ z का कॉफिशेंट, यहाँ पर z का कॉफिशेंट है 3h और यहाँ पर z का कॉफिशेंट है माइनस के 3uv. नाउ माइनस के 3uv इज इक्वल टू 3h. 3 से 3 कैंसिल, h की वैल्यू आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? u इंटू वी, या u इंटू वी की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आ जाती है? माइनस के h. तो अगर इसका क्यूब करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है u इंटू वी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस के h क्यूब. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करते हैं. तब यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? g. और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? u क्यूब प्लस v क्यूब. नाउ इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाती है माइनस के u क्यूब प्लस v क्यूब. अब हम क्या कर रहे हैं? बाय द इन कार्डन मेथड अब हम क्या करेंगे? जो आपने वैल्यू निकाली है g इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस वी क्यूब, अब हम एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं, एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसके जो रूट है वो क्या है? u क्यूब एंड v क्यूब. नाउ इक्वेशन, इक्वेशन विद द रूट u क्यूब एंड v क्यूब, ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट क्या हो आपके? u क्यूब एंड v क्यूब. और वो इक्वेशन हम किस में जनरेट करेंगे? t के अंदर. तो उसके लिए मेथड क्या होता है? t स्क्वायर माइनस के सम ऑफ द रूट, मतलब u क्यूब प्लस v क्यूब इंटू t प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट. प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? u क्यूब इंटू v क्यूब इज इक्वल टू. नाउ वैल्यू पुट कर देंगे, t स्क्वायर माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब की वैल्यू क्या है आपके पास? g प्लस gt प्लस u क्यूब इंटू v क्यूब की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस के h क्यूब. तो यहाँ पे आएगा माइनस के h क्यूब इज इक्वल टू. नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t स्क्वायर. ये क्या है आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर? t के अंदर. नाउ ये क्या है आपकी? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी के अंदर, अगर इसके रूट्स निकलते हैं देन वेल एंड गुड, अगर इसके रूट्स नहीं निकलते तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट नहीं निकलते तब उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? उसके लिए हम मेथड अप्लाई करते हैं. उसको निकालने का, रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू रूट्स निकल जाते हैं उसके फैक्टर्स करके. अगर उसके इजीली फैक्टर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड हम फैक्टर करते हैं, अगर उसके फैक्टर्स नहीं निकल पाते तब हम क्या अप्लाई करते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू. ये क्या है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस जी टी प्लस
माइनस एच क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अब इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स क्या निकलेंगे, टी इज इक्वल टू माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर एच क्यूब अपॉन टू। टू ए की वैल्यू क्या है आपके पास, वन, तो आपके पास रूट आ जाएंगे टी इज इक्वल टू माइनस के जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस फोर एच क्यूब अपॉन टू। नाउ एक वैल्यू होगी यू क्यूब की, यू क्यूब की वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस के जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस फोर एच क्यूब अपॉन टू। एक वैल्यू होगी आपकी यू क्यूब की और वो वैल्यू क्या होगी, माइनस जी माइनस के रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस फोर एच क्यूब अपॉन, तो ये आपकी यू क्यूब की और वी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर u की तीन वैल्यू होंगी और v की भी तीन वैल्यू होंगी। नाउ देर आर थ्री वैल्यूज ऑफ u क्यूब एंड v क्यूब, द थ्री वैल्यूज ऑफ u की तीन वैल्यूज क्या क्या होंगी, u, u ओमेगा एंड u ओमेगा स्क्वायर, एंड v की तीन वैल्यू क्या होंगी, इंप्लाइज v, v ओमेगा एंड v ओमेगा, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ बट वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूबिक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, जहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बट हम लेट क्या करके चले थे, हम लेके चले थे, हमने पुट किया था जेड इज इक्वल टू यू प्लस वी और हमारे पास एक वैल्यू आई थी u इंटू वी इज इक्वल टू माइनस के h, यहाँ पर माइनस के h क्या है, विच इज जो कि एक रियल वैल्यू है। तो इसके कार्डन्स मेथड के अंदर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इसको ऐड ना करके हमारे पास जो रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे, z के जो रूट होंगे, फर्स्ट रूट होगा u प्लस वी, सेकेंड होगा u ओमेगा स्क्वायर प्लस वी ओमेगा एंड थर्ड रूट होगा वी यू ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। बाय दिस हम वी कैन फाइंड द थ्री रूट्स, जेड इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू यू ओमेगा स्क्वायर प्लस वी ओमेगा एंड यू ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द थ्री वैल्यूज ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व बाय द कार्डन्स मेथड। क्यूबिक मेथड को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज कॉल्ड कार्डन्स मेथड। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, दैट इज डिस्क्रीट मेथड एंड फरारी मेथड, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। देयर इज अ कार्डन मेथड, बाय द हेल्प ऑफ कार्डन मेथड वी फाइंड द थ्री रूट्स, जेड इज इक्वल टू यू प्लस वी, u omega square plus v omega and u omega plus v omega square. Then we discuss about the nature of the root. The nature of the root we will discuss in our next video and a example based on this Cardon method. Thank you.